हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इंटीग्रेशन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सेवंथ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में है एक्स प्लस वन बाय एक्स क्यूब डीएक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूले पता होना चाहिए। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इंटीग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन के टोटल 50 फार्मूले बताए थे। वो फार्मूले अगर आपको पता है तो आप कोई भी टाइप का इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहां से देख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। वैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इसमें यूज होने वाले फार्मूले हम बीच बीच में बताया करेंगे, उससे आपको हेल्प हो जाएंगी। तो यहां पर हमें अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो यहां पर प्रॉपरली चेक करो, यहां पे ब्रैकेट का देखो, ब्रैकेट का पावर 3 है। इसका मतलब हमें ये पावर को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, देन आफ्टर हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रल को हम पहले एज अ i ले लेंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए एज अ i ले लेंगे। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखा है ये हम ब्रैकेट एज इट इज लिख लेंगे, x + 1 / x देन क्यूब ऑफ dx, ऐसा दिया हुआ है। यहां पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पे dx है इसलिए यहां पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है। तो जैसा हमने कहा कि यहां पे ब्रैकेट का पावर 3 है, तो हमें ये ब्रैकेट का पावर पहले करना पड़ेगा, देन आफ्टर हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको a प्लस बी क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए। देखो फार्मूला हम यहां पे लिख के दे देते हैं। फार्मूला ऐसा है, दैट इज a प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला ऐसा है, दैट इज a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस बी क्यूब। देखो ये फार्मूला है, आप ये टर्म पहले लिखो या ये टर्म बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको यहां पे यूज करना है, दैट इज a प्लस बी होल क्यूब का ये फार्मूला है। ठीक है, अगर ये फार्मूला यहां पे यूज करें तो यहां पे a और b के प्लेस पे क्या है, तो ये जो x है ये a के प्लेस पे है और ये जो 1 / x है ये b के प्लेस पे है। ठीक है, तो ये a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में है। तो चलो ये फार्मूला हम वहां पर यूज करेंगे। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग कुछ ये ऐसा हो जाएगा, दैट इज i इक्वल्स टू ये इंटीग्रल का सिंबल एज इट इज यहां पे रख लो और ये ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखना है, a क्यूब, इसका मतलब ये x का क्यूब, तो हम लिखेंगे x क्यूब। ठीक है, प्लस यहां पे क्या करना है, 3ab स्क्वायर, तो हम यहां पे क्या करेंगे, 3 into ab, इसका मतलब x into 1 by x का यहां पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे b का स्क्वायर है तो यहां पे 1 by x का स्क्वायर। प्लस फिर क्या करना है, 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, इसका मतलब a का स्क्वायर करना है, इसका मतलब x का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर into 1 by x, इस तरह से। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देन प्लस b क्यूब, इसका मतलब 1 by x का क्यूब, तो हम लिखेंगे प्लस 1 by x क्यूब, ब्रैकेट कंप्लीट और ये dx। ठीक है, तो फाइनली यहां पे हमने फार्मूला अप्लाई किए, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यहां पे अप्लाई किए और अब यहां पे थोड़ा सा पहले इसको एडजस्ट करो, देन आफ्टर इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज i इक्वल्स टू इंटीग्रल, तो ये x क्यूब पहला टर्म एज इट इज रखो। ठीक है, यहां पे एक x और यहां पे एक x जो है वो कट करो, तो ये हो जाएगा दैट इज 3 बाय x। ठीक है, प्लस यहां पे भी एक x कट जाएगा तो यहां पे बचेगा सिर्फ 3x। ठीक है, प्लस यहां पे 1 बाय x क्यूब ये एज इट इज और फिर ये dx। ठीक है, हमने सीधा सीधा जो है यहां पे जो x जो है वो सिर्फ यहां पे कट कर रहे हैं, बस इतना हमने किए हैं। और अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के लिए यहां पे क्या करो, इंटीग्रल से क्या करो, सभी टर्म्स को हम यहां पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो सभी टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इंटीग्रल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर से dx से भी आपको सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा इक्वल्स टू दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स। ठीक है, ये पहला, प्लस यहां पे 3 कॉन्स्टेंट है वो हम यहां बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डीएक्स, ये दूसरा। ठीक है, हमने यहां पे 3 बाहर ले लिए, देन यहां पे प्लस 3 अगेन कॉन्स्टेंट है वो हम यहां बाहर ले लेंगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ dx। ठीक है, ये तीसरा। ठीक है, और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स क्यूब ऑफ dx, ये चौथा। देखो इस तरह से हमने क्या किए, इंटीग्रल और dx से अंदर के सभी टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिए और अब इनको इंटीग्रेट करना है। चलो देखते हैं अब इंटीग्रेट करने के लिए यहां पे फार्मूला क्या क्या यूज करेंगे। तो यहां पे देखो x क्यूब में और यहां पे x में हम फार्मूला ये यूज करेंगे। देखो यहां पे फार्मूला हम लिख के देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का फार्मूला है। तो अगर आपके पास फार्मूला कोई भी नहीं लिखा है तो आप तुरंत अपने नोटबुक में वो लिख के रखो। तो फार्मूला ऐसा है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, तो ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये फार्मूला हमें यूज करना है यहां पे। ठीक है, तो चलो हम यहां पे यूज करेंगे। तो यहां पे x टू द पावर n के फॉर्म में है, n का वैल्यू यहां पे 3 है, तो यहां पे क्या होना है, x टू द पावर n प्लस 1, इसका मतलब यहां हो जाएगा 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1, तो ये हम लिखेंगे दैट इज x टू द पावर 3 प्लस 1 बाय
3+1, और जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है वो हम एट द लास्ट लिख लेंगे, ठीक है। प्लस, चलो हमने इसको इंटीग्रेट कर ली, अब यहां पे इंटीग्रेट करना है तो यहां पे फार्मूला क्या यूज करेंगे, तो यहां पे 1 बाय एक्स है, देखो फार्मूला ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डीएक्स, तो फार्मूला ये स्टैंडर्ड है, ये होता है लॉग ऑफ एक्स, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स हमेशा लॉग एक्स होता है, तो हम यहां पे लिख लेंगे 3 जो है वो एज इट इज रख लो, तो ये हो जाएगा ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, और जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है वो हम बाद में लिख लेंगे, प्लस 3। अब यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स है, तो यहां पे फार्मूला यही वाला यूज करो, पहला जो हमने लिख के दिए थे, देखो एक्स टू द पावर एन वाला, यहां पे देखो एक्स टू द पावर एन, यहां पे एक्स टू द पावर 1 है, एन का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग यहां पे एन प्लस 1, इसका मतलब 1+1/1+1 ऐसा हो जाएगा, तो ये हम लिखेंगे एक्स टू द पावर 1+1/1+1 ऐसा, प्लस, ओके, ठीक है। हमने तीन इंटीग्रल यहां पे सॉल्व कर लिए, और अब आखिरी का इंटीग्रल बचा है, अब इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, देखो इसका फार्मूला हम यहां पे लिख के देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो है इसको इंटीग्रेट करते समय दिक्कत होती है, तो उसका फार्मूला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है, देखो फार्मूला ऐसा है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x^n dx, इसका फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x^n, तो ये होता है -1/(n-1)(x^n-1), देखो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये फार्मूला नहीं पता होता है, तो ये फार्मूला आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है 1/(x^n dx) का, -1/(n-1)(x^n-1) ऐसा करना है, ठीक है। तो यहां पे n का वैल्यू क्या है, देखो 1/(x^n) के फॉर्म में है, n का वैल्यू 3 है, ठीक है, तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो यहां पर हम लिख लेंगे -1/, तो ये हो जाएगा दैट इज 3-1 देन x^(3-1) ऐसा, ठीक है। तो ये हमने चारों इंटीग्रल को यहां पे सॉल्व कर लिया है, और अब हमें यहां पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दे देना है सभी के लिए, कॉमन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दैट इज c। इस तरह से हमने सभी को इंटीग्रेट कर लिया, बस अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, तो अगर आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा x^(x^4)4, ठीक है, प्लस यहां पे 3 log x है, तो यहां पे एक काम करेंगे, ये जो 3 है वो x के पावर में हम ले लेंगे, क्योंकि रूल है log का, ये रूल है, अगर आपको रूल नहीं पता तो देखो हम यहां पे log का रूल भी लिख के देते हैं, रूल ऐसा है कि log ऑफ दैट इज a टू द पावर b हमेशा b log a होता है, ठीक है, log ऑफ a टू द पावर b हमेशा b log a होता है, इसका मतलब जो है जो a का पावर है, देखो जो a का पावर है b, वो आपने अगर बाहर लिए तो कुछ ऐसा होता है b log a, और अगर आपने b को a के पावर में लेके गए तो कुछ ऐसा हो जाएगा log ऑफ a टू द पावर b, तो यहां पे ये उसी फॉर्म में है, ठीक है। देखो ये b के प्लेस पे है, ये a के प्लेस पे है, तो यहां पे आप ऐसा लिख सकते हैं दैट इज log ऑफ x क्यूब, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ओके। और अगर आपने ये 3 जो है x के पावर में नहीं लिखे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि यहां पे 3 x के पावर में लेके जाए, आप चाहे तो यही टर्म यहां पे रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहां पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये 3x^2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे माइनस हम यहां बाहर ले देते हैं, यहां पे 3-1 इसका मतलब यहां 2 रहेगा, और यहां पे भी x का पावर 2 रहेगा, इसका मतलब ये 1/2x^2 प्लस सी ऐसा। देखिए इस तरह से हमने यहां तक एक्सटेंड कर लिया है, क्या इसको और सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। तो फाइनली ये हमने इंटीग्रेशन जो गिवन इंटीग्रल को जो हमें सॉल्व करना था, हमने गिवन इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया है और ये रिजल्ट हमें मिला है, तो फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था इंटीग्रेशन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले जो हमने इसके 6 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।